Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about causal and econometric method of forecasting. जैसा कि हमें पता है हम तीन टाइप्स के फोरकास्टिंग मेथड्स को पढ़ रहे थे. सबसे फर्स्ट था जजमेंटल, दूसरा था टाइम सीरीज, उसमें भी बहुत सारे मेथड्स आए थे. फिर उसके बाद था कॉजल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड्स, तो उसको चलो डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारे कवर कर लिए हैं, ये हमारा जो है लास्ट, जिसमें कि कॉजल और इकोनोमेट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे. तो ये जो होता है सबसे पहले देख लेते हैं, यूज फॉर ट्रेंड वेरिएशन, मतलब ट्रेंड वेरिएशंस के लिए यूज किया जाता है. जैसा कि आप एक देख सकते हो, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा, साइक्लिक वेरिएशन यानी साइकिल में वेरी होता है इन ए ईयर और इन टू ईयर्स लाइक दैट. तो ये टाइम सीरीज के लिए प्रीफर किया जाता है, इस टाइप के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम सीरीज को प्रीफर किया जाता है. बट ट्रेंड वेरिएशन हो इस टाइप से कि जब एक्स बढ़ रहा है उसके साथ वाई भी या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसमें कॉजल और इकोनोमेट्रिक मेथड को प्रीफर किया जाता है ट्रेंड वेरिएशंस के लिए. मतलब एक बढ़ रहा है उस पर डिपेंडेंट दूसरा भी क्वान्टिटी जो है या फिर दूसरा भी जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा है, तो कॉजल और इकोनोमेट्रिक को यूज़ करते हैं. तो देखते हैं इसका डेफिनेशन कॉजल का. इन दिस मेथड फॉरकास्टर्स विल ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड. ठीक है, ये रिलेशन बनाना चाहता है बिटवीन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनी अदर वेरिएबल ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट. मतलब कि कोई वेरिएबल जिस पे डिमांड डिपेंडेंट हो और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, बीच में एक इफेक्टिव रिलेशन फॉरकास्टर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन सच दैट चेंजेस इन वन वेरिएबल बिकम्स द यूजफुल फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द अदर. मतलब एक वेरिएबल में चेंज हो तो उससे दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा उससे हमें प्रेडिक्शन करने में हेल्पफुल हो. मतलब कि डिम अगर वेरिएबल का चेंज एक का पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा उससे. जो पहला था हमारे पास कोरिलेशन, दूसरा रिग्रेशन. तो कोरिलेशन एनालिसिस देखते हैं. कोरिलेशन को यहाँ पे हमने आर से डिनोट किया और जनरली आर से डिनोट करते हैं. ये होता है बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन, इसकी जो वैल्यू होती है. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो तीन ग्राफ हैं, जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा आर प्लस वन होगा तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे वेरिएशन आएगी, जब जितना एक्स में वेरिएशन आएगा उतना ही वाई में वेरिएशन आएगा, मतलब इक्वल वेरिएशन आएगा दोनों में. बट वहीं अगर आर माइनस वन होगा तो जितना एक्स में वेरिएशन आएगा उतना ही वाई में आएगा, बट एक दूसरे के अपोजिट आएगा. दो वेरिएबल्स हैं तो अगर एक्स बढ़ता जाएगा तो वाई घटता जाएगा उसी रेट से, सेम रेट से. अगर एक्स घटता जाएगा तो वाई बढ़ता जाएगा उसी सेम रेट से. ठीक है, अब जब r इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो x में वेरिएशन आने से y में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y में वेरिएशन आने से x में कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इस टाइप से हो जाएगा दोनों वेरिएबल्स में. जैसे यहाँ पे भी दे रखा है आपको x और y, और r की वैल्यू जैसे दे रखी है प्लस 0.68. तो अगर x जो होता है 100 तक इंक्रीज करता है तो y क्या करेगा, इंक्रीजेज बाई 68, मतलब 68% से इंक्रीज होगा. अगर आर की वैल्यू माइनस में दे रखी है, नेगेटिव में, तो माइनस 0.47 दे रखा है, तो एक्स अगर 100 तक इंक्रीज करेगा तो इस केस में क्या होगा, वाई डिक्रीज करेगा 47 तक. ठीक है, ये बता रखा है कितना परसेंट दोनों में रिलेशन है एक्स और वाई में. ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी आपने देखा होगा कि x में जितना आ रहा था उतना y में, मतलब x 100 से वैरी कर रहा है तो y भी 100 से वैरी करेगा, और प्लस का है तो इंक्रीज करेगा या माइनस का है, तो जितना x वैरी करेगा उतना ही अगर x 100 तक इंक्रीज कर रहा है तो y 100 तक डिक्रीज करेगा. ठीक है, लाइक दैट. नाउ कोरिलेशन देखते हैं, जिसको r से हम डिनोट कर रहे थे. ये होता क्या है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजर बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम प्लस वन टू माइनस वन. ठीक है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन या फिर क्लोजर को ये रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, और इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द
extent to which knowledge of one variable becomes useful for the prediction of other variables. मतलब एक का हमें पता है तो दूसरा को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है. जैसे कि आपने देखा था R को 0.68 दे रखा था तो X का पता चल रहा था 100 तक, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा था तो Y में 68 तक वो इंक्रीज होगा, अगर प्लस का है तो माइनस का है तो 68 तक डिक्रीज होगा. नाउ द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन एज, इसका कोफिशियंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर. अब देख लेते हैं एक्स बार और वाई बार यहाँ पर है क्या चीज़. एक्स वाई तो आपको समझ में आ गया होगा ऊपर जो यूज कर रहे थे. Now x bar and y bar are the average value of individuals of x or y. x और y की जो value दे रखी है उनकी एवरेज निकालेंगे तो उसको x bar और y bar बोलेंगे. x वाले को x bar और y वाले value उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको y bar. अब now regression जो दूसरा हमारे पास method था causal और रिग्रेशन में, तो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते हैं तो देख लेते हैं. इसके लिए जो ट्रेंड वेरिएशन होगा लाइक दैट साइकिल में होगा, लेकिन एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, या फिर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज हो सकता है लाइक दैट. इसकी जो स्लोप होगी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स, यानी कि सेम उसी तरह से है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हमने इसको इस तरह कैसे लिख दिया वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है. नाउ इन रिग्रेशन एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन. मतलब जो हमारे पास एक्स है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं वाई को डिपेंडेंट, बिकॉज एक्स की जितनी चेंज होगी वैल्यू वाई उतनी ही चेंज होगी, मतलब वाई उसी हिसाब से अल्टर होगा. तो एक्स इंडिपेंडेंट है वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है. और ए क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, बी क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, आपको पता है जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से आप देख सकते हो, ठीक है. हम जो थ्योरेटिकल डाटा एज्यूम करते हो लाइक दिस, बट एक्चुअल डाटा इस तरीके से वेरी करता है. ओके नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीनियर रिग्रेशन में, इट इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज यूजुअल द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को बोल रहे हैं, एंड एनी अदर वेरिएबल ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट, ठीक है. नाउ वाई इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स, आपके पास जो इक्वेशन था, लेट इन नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ डेटा, मतलब जो नंबर ऑफ पीरियड्स का डेटा दे रखा है एन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड समेशन का अप्लाई करते हैं. इस वाले इक्वेशन में तो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, और ए क्या है इंटरसेप्ट है मतलब कॉन्स्टेंट है कुछ, तो एन नंबर ऑफ पीरियड्स हैं तो ए इंटू एन हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ बी इंटू समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा लाइक दैट. बी कॉन्स्टेंट है तो बार हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा जब समेशन अप्लाई करेंगे तो. अब नाउ एक्स से मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोनों साइड में, हम एक कर क्यों रहे हैं, एक हमारे पास ए और बी का कोई फॉर्मूला है जिससे हम ए और बी जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास उसको निकाल सकें इंटरसेप्ट और स्लोप को, और उसके बाद इक्वेशन में पुट कर सकें सो दैट हम वी कैन गेट इक्वेशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है. तो अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा लाइक दैट. अब फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से समेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है. ओके और कहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ याद रखना, इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, ना कि इस वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये हमारा है इक्वेशन टू आ गया, तो इसको ऐड एज इट इज़ आप छोड़ दो, इसको बाद में यूज करेंगे. ओके नाउ अब इक्वेशन वन में एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, फिर समेशन अप्लाई किया तो ये जो है इक्वेशन थ्री आ गया, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है इक्वेशन थ्री आ गया. अब नाउ इक्वेशन वन में एन, इक्वेशन थ्री में एन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर लें इक्वेशन टू को समेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो जो थ्री है इसमें एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास टर्म आ जाएगा एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई लाइक दैट, और ए एन इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर,
और जो 2 है उसमें समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वाला टर्म है, तो यहाँ भी समेशन ऑफ x से, यहाँ भी समेशन ऑफ x से, और यहाँ भी समेशन ऑफ x से, तो यहाँ समेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा लाइक दैट। तो ये हमारे पास तो इक्वेशन आएगी, जो ये वाला टर्म होगा तो इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस हर जगह पे आ जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा ए वाला टर्म। तो हमारे पास ये जो बी की वैल्यू है यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इस साइड भेज के, ठीक है, बी को कॉमन ले लेंगे इसमें से, और इसमें से जब माइनस होगा तो नाउ, तो बी की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, बी इज इक्वल टू एन इंटू समेसन ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ समेसन ऑफ एक्स इंटू समेसन ऑफ वाई। इन दोनों में अंतर है आप समझ रहे हो, पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो फिर समेसन करो, इसमें डायरेक्ट एक्स का समेसन करो, डायरेक्ट वाई का समेसन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ डिवाइडेड बाई एन इंटू समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में भी अंतर है, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करो फिर इसका समेसन करो, समेसन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स का समेसन कर लो फिर उसके बाद स्क्वायर करो, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या करेंगे, जो वी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की निकालेंगे, तो ए की आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू समेसन ऑफ वाई माइनस ऑफ बी इंटू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रख देंगे, वाई क्या, तो यहाँ पे एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि ट्रेंड लाइन भी बोलेंगे, और वाई क्या है इस पर डिपेंडेंट है एक्स पे, ठीक है, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक दे रखा है तो। नाउ एक स्पेशल केस देख लेते हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि इसी का स्पेशल केस है, मतलब कि किस तरीके से आसान बना सकते हैं न्यूमेरिकल को जब समेशन ऑफ एक्स जीरो हो, तो लीनियर रिग्रेशन का ही एक स्पेशल केस है। व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर और यूनिफॉर्म, इट इज सच ए फॉर्म दैट इट कैन बी मॉडिफाइड टू मेक समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस वे में दिया हुआ कि जब टोटल एक्स का समेशन करें तो हमारे पास जीरो आ जाए, देन द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी सिंपलर एंड द मेथड इज टर्म्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड, दैट इज समेशन ऑफ एक्स, मतलब लीनियर रिग्रेशन का ही को ही लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलेंगे जब समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, जैसे कि हमारे पास ये डेटा दे रखा है 2009 का 10 का 11 12 13, तो माइनस ऑफ 2 एक्स का वैल्यू दे रखा है माइनस 1 फॉर 2010, 0 दे रखा है 11 के लिए, 12 के लिए प्लस 1, 13 के लिए माइनस 2। अब सबको समेशन करो तो माइनस 2 से माइनस 2, प्लस 1 से माइनस 1, कैंसल आउट, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये रिग्रेशन का ही प्रॉब्लम, लेकिन समेशन ऑफ एक्स 0 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड इसको नाम दे देंगे, और बी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। बी क्या, अब यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ यहीं लगाएंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, तो ए भी निकालना आसान हो जाएगा, और अगर एक्स दिया है तो वाई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स कैसे जीरो होगा, तो आपके पास जैसे दे रखा है 2009 10 11 12 13 14, तो 9 के लिए दे रखा है -2.5 लाइक दैट, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है तो -1.5 -0.5 +0.5 +1.5 प्लस का 2.5, सबको समेशन करने पे समेशन एक्स जीरो आएगा, लाइक दैट -5 3 -1 +1 प्लस का 3 प्लस का 5 दिया हुआ है, तो समेशन ऑफ एक्स जो है जीरो आएगा। तो इसको प्रीफर्ड करते हैं हम जनरली, क्यों प्रीफर्ड करते हैं, कि जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज ए बी का आपने देखा था फॉर्मूला कितना आसान हो गया था यहाँ पे कैलकुलेट करना। ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये लेक्चर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।